लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारी जो पुलिस है, बहुत सारे हमारे सरकारी मुलाज़मीन ऐसे हैं जो ईद की छुट्टियों की बजाय जो है उनको फील्ड में रह कर काम करना होता है, और वो सब लोग जो है वो तारीफ़ के और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मुस्लिम लीग नून और ख़िदमत का बड़ा पुराना साथ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और अपने हर अदवार में वो जो एटमी धमाके हों, वो मोटरवेज़ हों, वो सी पैक हो, मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की के बिजली को जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म करने के इकदाम हों, तमाम चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके बाद इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और साबिक खादम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको आज भी अनडाउटेडली पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता है, और उनके बनाए हुए लगाए हुए जो पंजाब के अंदर मंसूबे हैं, वो सेफ सिटी का मंसूबा हो, वो ऑरेंज लाइन हो, वो मुख्तलिफ पी के एल आई जैसा अस्पताल हो, बहुत सारे नए स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हों, ये तमाम उनके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। अब उसके बाद तीसरी बारी जो है वो हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है, जिन्होंने जिनको अभी जो है वो 1.5 महीना हुआ है वजारत आला जो है वो संभाले हुए, और उसमें वो रिकॉर्ड कायम कर रही हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद अपने ही बड़ों के जो नक्शे पा हैं उनको वो पीछे छोड़ जाएंगी। पहली तकरीर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फरमाई थी उसके अंदर दो बड़े जो है वो इकदाम जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 महीने के छोटे से वक्त के अंदर जो तकमील हुई है उसकी ऊपर मैंने आपको जो है वो ब्रीफ़ करने के लिए बुलाया है। और बहुत सारा प्रोपेगेंडा आपको पता है कि एक जमात जो कभी थी अब नहीं रही, अब वो फिर जो एक जमात में गई वहाँ से भी जो है वो रुसवा हो के फारिग हो गई, अब उनके उनका प्रोपेगेंडा सेल चूँकि वेला बैठा होता है, उसको काम कोई नहीं होता। और वो अफसोस की बात यह है कि इस पार्टी का शायद पाकिस्तान से इसकी लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बेहतरी का काम अव्वल तो इनसे हुआ नहीं, ये कर नहीं सके, जो बेहतरी का काम अवाम की भलाई के लिए कोई और करता है उसके ऊपर भी इनको तकलीफ़ होती है। उसके ऊपर जो है वो मैंने मैंने गुजारिश की कि मैं आपको जो ख़ास तौर पर एयर एम्बुलेंस है और जो कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 4 रुपये जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है उसके ऊपर जो है वो चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश करनी है। पहले ये एयर एम्बुलेंस जो है ये आपने नाम बड़ा पुराना सुना होगा, 2004 से ये चूरन बिक रहा है एयर एम्बुलेंस का, और हर दौर में कहा गया एयर एम्बुलेंस बस आ रही है, हम लाने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं ला सका वो एयर एम्बुलेंस जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1.5 महीने के अंदर अंदर पहला जहाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस का पाकिस्तान में जो है वो पहुंच गया है, जिसके ऊपर मशकें जो है वो शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर तरबियती मशकें जो है वो करवाई जा रही हैं, रेस्क्यू एल के जो 112 के अहलकार हैं वो भी उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद जो है इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया था। अब इसके अंदर बहुत सारे सवालात लोगों ने किए जो जिसके लिए मैंने समझा कि मुझे तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना चाहिए। ये 3 जो है वो एयरक्राफ्ट पर मबनी फ्लीट होगा। पहला हवाई जहाज़ है जिसको कस्टमाइज किया जाएगा, जो एक छोटा जहाज़ है जो हर जगह लैंड हो सकता है, उसको बहुत छोटी जगह वो रनवे कैसे होगा और वो ये कैसे